गाइस आपका स्वागत है मन्नू एयर कंडीशनर में। आज हम आपको सिखाएंगे माइक्रोवेव कैसे ठीक करें। इसका माइक्रोवेव का पैनल खराब है तो मैं आपको इसको आज सिखाऊंगा कि माइक्रोवेव का पैनल कैसे ठीक होता है और उसको डायरेक्ट चलाएं कैसे चेक करें। पहले हम इसका प्लग लगाते हैं इसका बोर्ड में और इसको हम चलाते हैं। इसका पैनल यहाँ से कुछ भी काम नहीं कर रहा, देख सकते हो आप। इसको हम खोलेंगे माइक्रोवेव को, ये आप देख सकते हैं पीछे पेज है, बाकी हमने खोल रखे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके हमने पेज खोल रखे हैं, बाकी इसके पेज ये आप देख सकते हैं। इसका ढक्कन हम उठाएंगे और ये लॉक होते हैं, इसके लॉक हटा के हमने ढक्कन इसका निकाल दिया है। अगर आप सीधा ढक्कन उठाओगे तो एकदम से इसका ढक्कन नहीं खुलेगा। अब आपको अब दिखा सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसफार्मर होता है, मैग्नेटोन होता है और एक फ़ैन भी होता है और ये इसका पैनल होता है जो कि इसमें प्रॉब्लम है, जिससे हमारा आगे का बटन कुछ काम नहीं कर रहे। अब इसको हम यहाँ से इसके कनेक्शन हटाएंगे। दोस्तों कनेक्शन हटाने से पहले हम इसकी यहाँ पर दो तारें होती है, ये देख सकते हो आप ट्रांसफार्मर में जो पैनल से आती है, ये हम हटाएंगे। इसको हम डायरेक्ट चला के यहाँ पे अपनी दो तारे कोई सी भी लगा के चेक करेंगे। इसको हम यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको दो थंबल दिख रहे हैं ट्रांसफार्मर के नीचे, दो थंबल होते हैं जो पैनल के यहाँ से आते हैं। इसको मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट चला के इसमें थंबल लगा चुका हूँ मैं। इसमें हम पानी रखेंगे, ये पानी हमारा बिल्कुल ठंडा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें पानी रख दिया है। और अब इसमें मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें आवाज़ आ चुकी है, इस टाइम ये डायरेक्ट चल रहा है बिना पैनल के। अब मैं इसमें 30 से 1 मिनट लूँगा, इसको पानी गर्म होने में टाइम लगेगा। अगर हमारा इस पोजीशन में अगर पानी हमारा गर्म होता है तो इसका पैनल बिल्कुल ख़राब है, हमारा मैग्नेटोन बिल्कुल ओके है। आप देख सकते हैं हमारे 30-35 सेकंड 40 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लग निकालूंगा और यहाँ से खोलूंगा, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो अब इसमें हमारा जो है प्रॉब्लम इसमें पैनल की है, हमारा ओवन बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम पैनल खोलेंगे, इसका पैनल खोलेंगे। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये इसमें पैनल का पेच होता है, यहाँ पे एक ही पेच लगा होता है पैनल में और ये इसकी तारे होती है, ये तारे मैंने इसकी हटा दी यहाँ से। पहले इसकी दोस्तों तारे हटाने ना, कनेक्शन हटाना ना भूले। और मैं इसको यहाँ से एक पेच खोलता हूँ, ये मैंने इसका पेच खोल दिया है। अब इसको मैं यहाँ से इसमें ऊपर उठाना पड़ेगा, लॉक होते हैं इसमें, ऐसे नहीं निकल पाएगा ये। ये देख सकते हैं अब इसका पैनल बाहर आ चुका है। अब इस दोस्तों मैं इस पैनल को, ये देख सकते हो पैनल में सर्किट होता है, इसमें ट्रांसफार्मर होता है, इसमें रिले होती है, कई चीज़ें होती है जिसमें आपको मैं इसको सिखाऊंगा आपको इसमें पैनल कैसे रिपेयर किया जाता है। इसमें जो हमारा पत्ता होता है वो ख़राब हो चुका होता है। आओ दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने इसमें पैनल में स्विच लगा चुके हैं क्योंकि हमारा इसमें पत्ता डैमेज हो चुका था बिल्कुल, इसमें हमने माइक्रो स्विच लगा चुके हैं। अब इसको हम दोबारा पैक करेंगे, इसको आप पैक करके आपको हम दिखाएंगे कि ये दोबारा काम करता है या नहीं करता। इसमें हम इसके दो स्क्रू कस देंगे दोबारा, ये आप देख सकते हैं स्क्रू की जगह है। तो आप इसको, मैं इसमें स्क्रूज के कस रहा हूँ, तो इसको दोबारा आपको ओवन में फिट करके आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें हमारा ये आगे से पैनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देख सकते हो आपके सामने इसका मैंने पैनल खोला था, अब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा। इसका एक अंदर लॉक होता है, ये दरवाज़ा वैसे खुलेगा नहीं इसका, इसको लॉक को पुश करना पड़ेगा फिर जाके हमारा गेट खुलेगा, नहीं तो हमारा गेट लॉक हो जाता है ये। अब इसको मैं यहाँ पर पैनल इसको फिट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं लॉक दोबारा बिठाऊंगा, जो लॉक जैसे मैंने दोबारा खोले थे, इसको पुश करके और इसको नीचे स्लाइड कर दो, ये हमारा दोबारा स्लाइड हो चुका है। अब इसकी मैं इसकी वायर जोड़ूंगा, जो इसकी वायर हटाई थी मैंने वापसी जोड़ूंगा, इसकी वायर जोड़ के थंबल सेम लगा के जहाँ पे लगे हुए थे इसके थंबल वापसी लगा के।
दो थंबल मैंने लगा चुका हूँ, इसके ओवन के थंबल लगाऊंगा, ट्रांसफार्मर के थंबल, जो इसके जेनमैन थंबल है, अब मैं अपने थंबल लीड हटा दिए मैंने, इसके जेनमैन थंबल लगाऊंगा, ये थंबल मैं इसके लगा रहा हूँ, इसके दो थंबल थे यहाँ पर, आप देख सकते हो इसके थंबल मैंने इसको लगा दिए। अब इसको मैं चेक करूँगा पानी रख के, दोबारा इसमें ठंडा पानी डाल के मैं इसको मैं दोबारा चेक करूँगा, आप देख सकते हो ठंडा पानी है इस टाइम। अब इसकी मैं मैन लीड लगाऊंगा दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें लाइट आ चुकी है। अब मैं इसका स्टार्ट का पैनल दबाऊंगा, इसका पैनल बिल्कुल ऑपरेट हो चुका है। मैं इस बार कैंसिल करूंगा, आपको और भी बटन दिखा के चेक कराऊंगा, ये कैंसिल करके कि मेरे यहाँ पे सारे बटन चेक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप देख सकते हो एक एक बटन सारे काम कर रहे हैं, ये सारे बटन मेरे काम कर रहे हैं। अब मेरे को सिलेक्ट करना है एक मिनट, तो एक मिनट के बटन पे इसको मैं ओके करके स्टार्ट करूँगा, तो एक मिनट में आप देखेंगे पानी कैसे बॉयल होता है हमारा, कितनी देर तक बॉयल होता है। बाकी दोस्तों आपको सिंपल तरीका मैंने सिखा दिया है माइक्रोवेव ड्रैक चलाने का तरीका, कैसे माइक्रोवेव आप बिना पैनल के चला सकते हो, कभी भी आप बिल्कुल घर बैठे बैठे माइक्रो ओवन ठीक कर सकते हो। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। दोस्तों आप देख सकते हो 27 सेकंड से टाइमिंग चल रही है, आप देख सकते हो उसमें 24, 23, 22, 21, 20, ये देख सकते हो आप, उधर पानी हमारा गर्म हो चुका है, माइक्रो के ऊपर से धुआं आ रहा है, हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है इसमें, आप देख सकते हो। मैं इसको बीच में ही खोल रहा हूँ दोस्तों, पानी ज़्यादा बॉयल हो चुका है, आप ये देख सकते हो पानी कैसे उबल रहा है, बहुत धुआं निकल चुका है इसमें। तो हमारा माइक्रोवेव इसमें बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूले। धन्यवाद।